इन स्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन के लिए हमारा टॉपिक जो हमने चूज किया है यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड। जी हाँ, आईटीसी लिमिटेड इस स्टॉक की जस्ट हम लोग आज ब्रीफिंग देखेंगे। आज हम लोग बाई होल्ड और सेल लेवल पर उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज इसका रिजल्ट जो है फाइनेंशियल रिजल्ट कल आने वाला है, उस पर ज्यादा हम लोग फोकस्ड करेंगे। तो क्या ये हमें पहली पॉइंट बन के आ रही है, क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरी पॉइंट निकल के आ रही है डिविडेंड की, क्या डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तीसरी जो पॉइंट बन के आ रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स या जो कहीं जगह पे कहें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए ये तीन चीजें निकल के आ रही है। पहला रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, डिविडेंड मिलेगा नहीं, बोनस हमें मिलेगा या नहीं। तो इन तीनों टॉपिक्स पे हम लोग आराम से डिस्कशन करेंगे। उसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर पहले लेके आना चाहूंगा। एनएससी की वेबसाइट पर मैं लेकर आ चुका हूं। अगर आज के कारोबार की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2% के नियर अबाउट आपको तेजी देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और ये जो शेयर है 217 पे आके यहाँ ट्रेड किया है लास्ट सेशन के कुछ घंटों में। अगर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखें तो आपको एक बाइंग ऑर्डर अच्छी खासी क्वांटिटी नियर अबाउट 35,000 क्वांटिटी, 36,000 क्वांटिटी की बाइंग ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगी। 216.60 रुपए का प्री मार्केट जो है यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है। अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, बहुत ही एक हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज मिल रहा है आपको 45.11% की। अगर बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग की तो आपको 7,30,00,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। अगर बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, डिलीवरी क्वांटिटी की, तो 3,29,00,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है। ये रही अच्छी अच्छी बातें इस शेयर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, तो इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे लेकर आऊं इस चार्ट पैटर्न पे। तो आप देख सकते हो जब भी इसका रिजल्ट आना होता है, अच्छा रिजल्ट आना होता है, इसी नहीं किसी भी शेयर में अगर अच्छा रिजल्ट आना हो तो उसके पहले आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जो कि इस रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% श्योर हूं कि रिजल्ट अच्छा आएगा यहाँ पे, बट जैसे बाकी के पिछले शेयर्स के रिजल्ट आए इसके कॉम्पेटियर्स के, HUL का आप ले लो, ठीक है, और या फिर मतलब जितने भी FMCG सेक्टर्स के हैं, गोदरेज ले लो, गोदरेज का मतलब गोदरेज जो FMCG सेक्टर का है, गोदरेज प्रोडक्ट लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको ना एक चीज देखने को मिली कि उन शेयर्स में क्या हुआ, अच्छी खासी आपको बढ़त देखने को मिली रिजल्ट के आने के बाद। तो यहाँ पे भी हम एक उम्मीद लगा सकते हैं। देखो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 100% कोई भी श्योर किसी भी बात पे नहीं रह सकता, बिकॉज आपको मैं बताऊंगा इसका मेन रीजन क्या होता है, मैं आपको मेन रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई 100% श्योर नहीं हो सकता, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे मोर देन 75% चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे किसके, कि ये रिजल्ट पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज आज का मार्केट पॉजिटिव रहा है इसके लिए, ठीक है। शॉर्ट सेलर एक्टिव नहीं हुए हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी इसके लिए न्यूज बन के आ रही है। अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे डीपली, थोड़ा सा हम लोग इसका एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि डिविडेंड यील्ड आपको अच्छी खासी डिविडेंड है। पहली बात तो हमने डिस्कस कर लिया रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं, जो हमने तीन टॉपिक बताए थे, तीनों में से पहले हमने डिस्कस कर लिया रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा कॉर्पोरेट एक्शन पे, और मैंने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग पे क्लिक कर दिया। एजेंडा आप देख रहे हैं क्लियरली यहाँ लिखा हुआ, ऑडिटेड रिजल्ट 1 जून को क्या होगा, ऑडिटेड रिजल्ट एंड फाइनल डिविडेंड, मतलब फाइनल डिविडेंड आपको मिलेगा जब आपको सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट या रिजल्ट या कुछ और यहाँ एजेंडा में रहे, मतलब डिविडेंड के चांसेस जीरो है, जीरो टू जीरो ही है। लेकिन जब फाइनल डिविडेंड लिख लिया है यहाँ पे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चांसेस बोल रहा हूँ, 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे डिविडेंड जब अनाउंस भी होता है उसके बाद लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अप्रूवल, तो अप्रूवल वाली बात आ जाती है, तो डिविडेंड आपको मिलेगा श्योर हो गए। अब बोनस हमें मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो बोनस के लिए हम लोग एक बार बोनस की हिस्ट्री पे अगर जाके देखें तो बोनस हिस्ट्री आपको देखने को मिल सकती है। पहला यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 ईयर बाद, यहाँ पे फिर 6 ईयर बाद, तो यहां से अगर 5 ईयर कैलकुलेट करें तो 2021 आ रहा है, और ये ईयर में आपको चांसेस एक मिल जाए 50-50 चांसेस है, यहाँ पे 50-50 चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। बट
अभी इसका जो प्राइस है उतना ज्यादा हाई नहीं है कि यहाँ पे एक बोनस अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि जो इसकी प्राइस होगी 200 से फिर घट के 100 हो जाएगी और 100 वाले रेंज में आ जाएगी, तो यहाँ पे बोनस के चांसेस उतने ज्यादा नहीं बन रहे जितने ज्यादा डिविडेंड के बन रहे हैं। ठीक है, दोनों तीनों डाउट क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे रिजल्ट के लिए, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग अगर करें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो हम लोग सिर्फ मार्च मार्च क्वार्टर से पहले का रिजल्ट देखेंगे। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आप देख रहे हो 18 में, मार्च में बढ़ा 19 में, ठीक है, सिर्फ यही हम लोग देखेंगे, ईयर ऑन ईयर देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग दिसंबर यहाँ पे देख रहे हैं क्वार्टर का रिजल्ट, और यहाँ पे एक डिक्रीजिंग देखने को मिला हमें कोविड की वजह से, नहीं तो यहाँ पे भी आपको एक बढ़त देखने को मिलती है, कट टू कट रिजल्ट इसे बोल सकते हैं। तो सेम वे हमें ये भी यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है कल वाले जो रिजल्ट पेश होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे आने के चांसेस है। ठीक है, बाकी आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस इस पे मैं उतना कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कल के दिन इंट्राडे आप लोग मत लीजिएगा, इस स्टॉक में अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज कल रिजल्ट जो आएगा शाम को आएगा और कुछ भी हो सकता है इस स्टॉक में, तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे इसमें इंट्राडे तो बेस्ट रहेगा, बाइंग इसमें उतनी ज्यादा कल ना करें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, आपको कैसा लगा ये डिस्कशन मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने क्लियर एंड कंसाइज बोला है, बाकी कि और की तरह ये नहीं घुमाया कि बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई 50-50 चांसेस से मैंने कैलकुलेशन बेस्ड बता दिया, डिविडेंड भी 100 डिविडेंड पे मतलब 99% श्योर हूं डिविडेंड मिलेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा उस पे मैं 75% श्योर हूं, बिकॉज उसका मोमेंटम, इस स्टॉक का मोमेंटम बता रहा है, लगातार आपको तीन ग्रीन कैंडल यहां देखने को मिल रही है, लगातार देख सकते हो आप, लगातार यहां पे तीन ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। बाय बाय, टेक केयर, सबका खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में।